Good morning, students. Today we will do our next topic that is poultry farming or poultry farm management. In it, we will see that uh, various types of birds are reared for the eggs and meat production. Let us start. Poultry farm management. It is the rearing, breeding, and caring of domestic birds like chickens, ducks, geese, pigeon, turkey, either for meat or for egg production. The most preferred bird in the poultry industry is the domestic fowl or chicken. Fowl use chicken chicks use poultry farms. There are various other species of the fowls also that are reared worldwide for the meat and eggs. We will see various varieties here. गैलस गैलस डोमेस्टिक गैलस डोमेस्टिक जो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इसके अलावा गैलस सोनेरिटी कॉमन नेम याद करेंगे इनके द ग्रे जंगल फ़ाउल नेक्स्ट इज सिलोन जंगल फाउल एंड वन मोर वराइटी जावा जंगल फ़ाउल इंडिया के अंदर जो है पाँच हजार साल पहले से ही यही प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हो पाया था घरों में ही लोग पालते थे थोड़ी बहुत जो है चिकन्स को पोल्ट्री एज एन इंडस्ट्री स्टार्टेड ओनली इन स्टार्ट नाइनटीन फिफ्टीज लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल पे एग और मीट की प्रोडक्शन जो है वो 1950 के बाद हुई और 2011 की के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे थी एग प्रोडक्शन में और फिफ्थ पोजीशन पे थी चिकन प्रोडक्शन में अब पोल्ट्री बर्ड्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स ब्रॉयलर्स वो चिकन्स होते हैं वो फाउल होते हैं जो मीट के लिए रियर किए जाते हैं रियर का मतलब होता है पाले जाते हैं ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन दीज आर दोज चिकन दैट आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज्यादा चिकन प्रोड्यूस करते हैं और ब्रॉयलर्स जो हैं इनकी वैरायटी देखो व्हाइट प्लाई रोक और व्हाइट कॉर्निश इनकी ब्रीडिंग के बाद व्हाइट लेग हॉर्न प्रोड्यूस होता है ब्रॉयलर्स की वैरायटी है ये जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस हुई हैं लेयर्स अब ये वो चिकन हैं जो सिर्फ एग लेइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं इनको बोलते हैं लेयर्स वैसे तो ये वीक में दो दिन एग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनको अगर रेगुलर हार्मोन इंजेक्शन दिए जाएं तो ये डेली एग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ऐसे वाले एग को वेजिटेरियन एग बोला जाता है क्योंकि ये अनफर्टाइल होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं इनको रेगुलरली इंजेक्शन दिए जाते हैं वैक्सीनेशन दी जाती हैं टाइम टाइम पे इनकी जो बीक्स है उनकी कटिंग की जाती है ताकि वो आपस में जब फाइट करें तो एक दूसरे को इंजरी ना पहुंचाएं तो बीक्स की कटिंग की जाती है इनकी फ्रेश बैलेंस डाइट दी जाती है इनको ताकि अच्छे से एग प्रोड्यूस कर सकें अब लेयर्स को जो है दो स्टेजेस में प्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट स्टेज इज ब्रूडिंग स्टेज इसमें क्या है न्यूली हैच्ड एग एग में से छोटे छोटे चूजे निकले हुए होते हैं जिनको ब्रूड्स बोलते हैं ठीक है और इनको ब्रूडर्स स्पेशल टाइप के रूम बनाए जाते हैं जिनका जिनके अंदर हीटर लगा के हाई टेम्परेचर किया जाता है क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए फिर जो है उसके बाद सिक्स टू एट एट वीक्स के बाद वो थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं तो इनकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं लेइंग स्टेज अब वो जो है ट्वेंटी टू वीक्स में आकर एग ले शुरू, करना शुरू कर देते हैं और आगे बारह से पंद्रह महीने तक एग ले करते रहते हैं और जब कोई चिकन एग ले करना बंद कर देता है तो उसको स्लोटर हाउस में मीट के लिए भेज दिया जाता है अब पोल्ट्री ब्रीड्स इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं असील बसरा चिट्टागोंग कोचिन ब्राह्मण ये इंडियन वैरायटी हैं चिकन की एक्जोटिक ब्रीड्स जो इंडिया में यूज़ की जाती हैं बाहर से जो लाई गई हैं वो है मेडिटेरियन ब्रीड्स मिनोरका एंडोलेशियन और वाइट लेग हॉर्न जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाइट लेग हॉर्न अमेरिकन ब्रीड्स प्लाई माउथ रॉक न्यू हेम्पशायर रोड आइलैंड रेड एंड वेंडोट ये भी बाहर की वराइटी हैं ब्रिटिश वराइटी में ओस्ट्रेलोर्प सोसेक्स कॉर्निश रेड कैप ये ब्रिटिश वराइटी हैं क्रॉस ब्रीड जो चिकन की प्रोड्यूस हुई हैं ऐसी ब्रीड्स जो एग भी ले ज़्यादा करते हैं और मीट भी प्रोड्यूस होता है जिनसे वो ये हैं एच एच टू सिक्सटी ग्रामा जिनके अंदर दोनों के करेक्टर होते हैं उनको ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स कहा जाता है जैसे प्लाई माउथ रोक है न्यू हेम्पशायर है ये मीट भी ज़्यादा देते हैं और एग भी प्रोड्यूस करते हैं अब पोल्ट्री फार्म्स की केयर कैसे की जाती है लार्ज स्केल पे जब चिकन प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ऐसे पोल्ट्री फार्म के अंदर साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है प्रॉपर सैनिट वेंटिलेशन हो एरेशन अंदर आए प्रॉपर उनको जो चिकन से उनके रहने का जो होम हौ, बनाया हुआ होता है वो प्रॉपरली लाइटिंग हो वहाँ पे डिजीज फ्री ब्रीड्स यूज की जाती हैं ताकि किसी तरह की बीमारी ना फैले उनको प्रॉपर टाइम पे पानी और फीड दिया जाता है अब पोल्ट्री को जो फीड दिया जाता है वो कौन कौन सा फ़ीड है ब्रान राइस ब्रान ऑफ वीट जो वीट का छिलका है या राइस का छिलका है ऑयल केक्स फ़िश मील बोन मील ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन मिनरल्स ये सारा उनके और मेनली साल्ट ये उनके फीड में इंक्लूड किया जाता है अब पोल्ट्री में इतने ज़्यादा जो चिकन है इकट्ठे एक, एक साथ रखे जाते हैं तो उनमें डिज़ीज़ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो वेरियस टाइप की डिज़ीज़ इनको लगती हैं जिनमें बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन डिजीज़ फंगल डिजीज़ बहुत सारे टाइप की इनको डिजीज़ लगती हैं और वायरल डिजीज़ में हमने मोस्टली नाम सुना है बर्ड फ्लू का जिसमें अगर एक बर्ड के अंदर वो वायरस आ गया है तो वो सारे पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स को डैमेज कर देते हैं उन सब के अंदर जो है वायरस आ जाता है तो ये वेरियस डिज़ीज़ हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर आती हैं बर्ड फ्लू में जो ये एक वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस उसके थ्रू फैलता है एवियन एन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में जो फटाफट फैलता है ये इसके वायरस का नाम है एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा वायरस और इन बर्ड्स के थ्रू फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है ये वायरस और एक बार 1997 में तो इतना ज़्यादा बर्ड फ्लू फैला था कि जिन लोगों को बर्ड फ्लू हुआ था उनमें से 60 परसेंट लोग जो हैं वो डाई आउट हो गए थे